नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक बिग बी अनबॉक्सिंग। जी हाँ, टेक्नो ने एक डिवाइस भेजा है यहाँ पर, कुछ इस तरह से एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स काफ़ी बड़ा है और बी लिखा है। और इससे पहले हमने आपको जो है कुछ बताया था यहाँ पर पिछली वीडियो में कि कुछ बड़ा यहाँ पर जो है वो टेक्नो करने वाला है अपनी स्पार्क सीरीज के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इस बिग बी बॉक्स के अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जहां पर जो है वो देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स दिया गया है जिसपे लिखा है कि अनवीलिंग बिग बी। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं यहां पर, और कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले आपको जो चीज दिखाई देती है वो मिलता है यहां पर स्पार्क गो प्लस, साथ में आपको ओरिमो भी दिखता है, लेकिन यहां पर एक बिग थैंक यू भी यहां पर लिखा है टेक्नो ने, जिसको आपको जरूर से पॉज करके पढ़ना चाहिए। जी हाँ, टेक्नो का जो स्पार्क आया था यहां पर वो एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन था बजट सेक्शन के अंदर, और यहां पर अब आ गया है स्पार्क गो प्लस। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि यहां पर जो है बॉक्स मिलता है, आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में दिया गया है और कुछ हाईलाइट्स यहां पर लिखी गई हैं। 6.52 इंच की स्क्रीन है। जी हां, जो कि हमने यहां पर आपको बताया था कि टेक्नो की जो स्पार्क गो प्लस है उसमें कुछ बड़ी स्क्रीन आने वाली, तो वो यहां पर है 6.52, जो कि आपको इस बजट सेक्शन के अंदर यानी कि लगभग 6,500 रुपए कीमत में कहीं पर भी नहीं मिलती है। जी हां, उसके बाद में आप देखते हैं कि 32 GB की स्टोरेज आपको दी गई है, और साथ ही साथ आपको जो है एक ओरिमो एक ब्लूटूथ डिवाइस है, बड़ा फंकी लगता है, कुछ 799 रुपीज का लगभग, तो वो भी आपको यहां पर इसके साथ मुफ्त मिलता है। जी हाँ, अलग से मिलेगा, हालांकि ऐसा बॉक्स नहीं मिलेगा, बॉक्स आपको अलग मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा जरूर। अब बात कर लेते हैं यहां पर मेन प्रोडक्ट की। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है आपको दिखाई दिया है, हमने इसके ऊपर स्टिकर भी लगाया कि आपको मिलेगा। तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हैं और अगर आपको नहीं दे तो बोला भैया वो ओरिमो वाला ब्लूटूथ का देना जरा, तो वो भी आप ले लीजिएगा। की हाईलाइट्स आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं, लिखी गई यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर, स्टिकर लगाकर दिए गए हैं, वारंटी ऑप्शन आपको यहां पर काफी सारे मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखें, जूम करके आपको दिखाएं, तो बॉक्स पे काफी कुछ डिटेल आपको यहां पर मिल जाती है। कीमत यहां पर लिखी है 7499, लेकिन इसकी जो कीमत है वो काफी कम है, जो कि आपको पता चलेगी अभी। जा बॉक्स के अंदर आपको यहां पर सबसे पहले जो चीज देखने को मिलती है वो मिलती है एक लीफलेट, जिसमें आपको 3 महीने का गाना का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपने सुना ना वो बस बजना चाहिए गाना, जी हाँ वही वाले गाने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी कीमत है 297 रुपीज, 3 मंथ्स के लिए फ्री मिलता है। उसके बाद में आपको मिल जाता है स्मार्टफोन, उसके बाद में मिलती है आपको माइक्रो यूएसबी केबल, एक चार्जर दिया गया जिसकी रेटिंग 6 वॉट है, साथ ही साथ आपको इसमें 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है, साथ 1 मंथ की एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा वारंटी है, यानी कि 12+1 13 मंथ्स की यहाँ पर वारंटी दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जरूर से आपको ये वाला बजट सेक्शन का फोन ट्राई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन की। तो फोन का जो डिजाइन है वो पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना गया है, एक्चुअल में प्लास्टिक है लेकिन पॉलीकार्बोनेट बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, और सभी के सभी इस सेक्शन में यही देते हैं। तो पॉलीकार्बोनेट यहां पर मिलता है, काफी अच्छी यहां पर आपको जो है डिजाइन लगेगा, फिनिशिंग लगेगी। 2 कलर्स में मिलता है, एक है वैकेशन ब्लू जो कि हमारे पास में है, और एक और है दूसरा जिसका नाम है हेलियो पर्पल। सामने की तरफ आपको जो है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, स्लिम तरह का डिजाइन है, हाथ में जो है वो काफी अच्छा फील करता है, डिसेंटली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिए गए, यानी कि डुअल सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। लाइट वेट है ओवरऑल फोन, अगर आप यहाँ पर हाथ में उठाते हैं, 4000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी। जी हाँ, 4000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है। अब बात करते हैं बिग बी फैक्टर की, तो वो यहाँ पर है 6.52 इंच की जो है वो स्क्रीन दी गई है, HD+ रेजोल्यूशन है यहाँ पर, ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, 20:9। जी हाँ, क्या 20:9, 18:9 का जमाना गया, 20:9 यहाँ पर जो है वो आ गया है। 480 nits, जी हाँ 480 nits की ब्राइटनेस है, काफी ज्यादा है, बढ़िया है। वीडियो का सैंपल आपको एक बार देख लेना चाहिए, यहाँ पे काफी शार्प है, क्लियर इसका आपको जो है डिस्प्ले मिल जाता है, ब्राइटनेस का अमाउंट गुड है और कलर रिप्रेशन काफी अच्छे हैं। तो आपको स्क्रीन के अंदर यानी कि एंटरटेनमेंट के मामले में कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि 6.5 इंच की लगभग की स्क्रीन है, सस्ता फोन है, यानी कि हाँ बजट सेक्शन का फोन है, तो आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। अब बात करते हैं भैया प्रोसेसर की, प्रोसेसर कौन सा दिया है। प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो A22, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2.0 GHz के ऊपर, 2 GB की रैम है, 32 GB मेमोरी है, एंतुतु का स्कोर आता है 75,543, लो लेवल और मीडियम लेवल की गेम प्ले कर सकता है, पबजी आप जबरदस्ती चला सकते हो लेकिन हाँ गेम प्ले कर सकता है। ये वाला फोन जो है वो एक ओवरऑल फोन को ध्यान में रख के बनाया गया, तो ये नहीं कि आप भैया पबजी के लिए फोन को लो, एंटरटेनमेंट डिवाइस है तो ओवरऑल अच्छा काम करेगा, गाने सुनने हो, मूवी देखनी हो, वीडियो देखनी हो, फोटो वोटो खींचनी हो, फोटो वोटो की बात ही करते हैं। कैमरा की अगर बात करते हैं तो 8+8 यानी कि 8 MP का रियर और 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है डुअल फ्लैश के साथ। जी हाँ, रियर में डुअल फ्लैश दी गई है, मोस्टली सब लोग सिंगल ही देते हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो सेल्फी कैमरा जो है ड्रॉप नॉच के अंदर मिलता है,
फ्लैश भी दी गई है यहाँ पर भाई साहब। जी हाँ, सेल्फी में भी फ्लैश दिया है। अब देखते हैं कुछ सैंपल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फोटो ली गई है डे लाइट में ली गई है, कार्स यहाँ पर खड़ी हैं, डिटेलिंग यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई ज्यादा शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये वाली फोटो जो है वो एक पिंक गुलाब के ऊपर ली गई है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिलती है। और ये हमारा बॉक्स बिग बी वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं ग्रीनरी की तो कलर्स यहाँ पर ओके से हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पर शार्पन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कैमरा यहाँ पर आपको डिसेंट यहाँ पर मिलता है। सेल्फी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे वाले फोनों को इग्नोर कर दीजिएगा, तो फोटो यहाँ पर अच्छी है, क्लैरिटी है फोन के ऊपर। और ये वाली फोटो बहुत ही कमाल की है, आप देखिए मैक्रो शॉट लेने की कोशिश की है, पिंक कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो पीछे गेंदे का फूल है, जो मिट्टी है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फोटो आई है क्लोजअप में। और ये देखिए आप यहाँ पर बोके इफेक्ट आपको मिलता है सेल्फी के अंदर, जो कि कमाल है। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है लेकिन बढ़िया है। ये वाली फोटो में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेलिंग जो पत्ती के चारों तरफ है काफी क्रिस्पी आपको दिखती है। ये वाली फोटो भी आप देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि रेड कलर की मैगी नूडल पड़ी है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी कलर यहाँ पर कैप्चर इसने किया है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन की, तो भैया फोन में फेस अनलॉक दिया है जो कि यहाँ पर ठीक है, मतलब ऑप्शन एज ए फीचर आप इसको यूज कर सकते हैं। हाफ अ सेकंड तक का टाइम लगता है अनलॉक होने में, लेकिन बढ़िया है, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यार फेस अनलॉक ही नहीं है इसमें, तो है भैया, है, एप्पल में है, हमारे फोन में भी है। और उसके बाद बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, लगभग हाफ अ सेकंड लगता है, लेकिन बढ़िया है, शिकायत नहीं है आपको यहाँ पर आनी चाहिए। प्राइस पॉइंट के हिसाब से एंड्रॉयड 9 इसमें आपको मिलता है। जी हाँ, अभी एंड्रॉयड 10 हर किसी फोन में नहीं आया है, तो एंड्रॉयड 9 मिलेगा आपको, सपोर्ट करेगा यहाँ पर डुअल 4G को। 5G कब आएगा भैया? 5G पहले बड़े लोगों को देने दो, उसके बाद बात करेंगे ना। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, यानी कि बैटरी की। तो मैंने बताया आपको कि 4000 mAh की बैटरी है, 6 watt का चार्जर है, चार्जिंग थोड़ी स्लो है, आपको लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे चार्ज करने में, लेकिन चार्ज कर ले, और अगर आपके नॉर्मल यूजर्स हैं तो आपका आराम से एक दिन, और अगर आप लो यूज करते हैं 1.5 दिन भी चल सकता है, तो कोई शिकायत इसमें नहीं आने की। तो ओवरऑल आपने देखा किस तरह से आपको यहाँ पर जो है टेक्नो का स्पार्क गो प्लस मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो 6,299। जी हाँ, सिर्फ 6,300 रुपये की कीमत के अंदर आपको ये लगभग जो है वो मिलता है फोन, साथ में एक 800 रुपये का जो है मिलता है ओराइमो, साथ ही साथ आपको 3 महीने गाना का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इस सब चीज़ों के ऑफर के साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5,000 से 7,000 रुपये के एंट्री लेवल स्मार्टफोन में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो आपको एक बड़ी स्क्रीन यानी कि 6.52 इंच की स्क्रीन देता है, फिंगरप्रिंट देता है, और साथ में यहाँ पर बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं टेक्नो की तरफ से। तो टेक्नो का स्पार्क गो प्लस यहाँ पर बाकी सेगमेंट से काफी अलग निकल के आता है। तो ओवरऑल इस फोन को आप जरूर से देखिएगा, और बजट सेक्शन के फोन के हिसाब से आपको ज्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। 6,300 रुपये की प्राइसिंग के हिसाब से काफी बढ़िया है। फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा स्पार्क गो प्लस, और ये वाली वीडियो कैसी लगी शर्मा जी की, बढ़िया लगी ना? तो जी हाँ, 2020 की शुरुआत हो गई है और हम आ रहे हैं धीरे धीरे लाइन पे वापस। जी हाँ, गाड़ी पटरी पे लगा दी है। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।